अच्छी थी सर। रेटिंग अगर दूंगा तो 3 out of 5 दूंगा। इसके जो डायरेक्टर है नारायण सिंह, ही हैज़ डायरेक्टेड ट्वाइलेट एक प्रेम कथा। सो वो भी मूवी थोड़ी सी लंबी थी, ये भी मूवी थोड़ी लंबी थी, दोनों ही सोशल कॉज पे बनी पिक्चर है। बट ओवरऑल एग्जीक्यूशन अच्छा था। शाहिद कपूर की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई गेस श्रद्धा कपूर का भी रोल अच्छा है। ओवरऑल एक्सपीरियंस ऐसा है कि आप फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ यू विल गोना एंजॉय दैट मूवी। देखिए यामी का रोल काफ़ी लिमिटेड है, जितना रोल है काफ़ी क्यूट सा है उनका रोल। और मतलब अगर मूवी को सेक्शन में डिवाइड किया जाए तो मूवी हैज़ लाइक सेक्शंस अबाउट फ्रेंडशिप, लव एंड कोर्ट रूम। सो कोर्ट रूम हमेशा थोड़ा सा यू नो इट्स ऑलवेज ग्रिपिंग राइट, एंड थोड़ा सा मुझे वो भी एक्सपेक्टेड था, बट थोड़ा कोर्ट रूम फनी है राइट एंड वो भी मतलब एन्जॉयबल है। सो आई वुड से कि यामी के साथ उनका कनेक्शन ऐसा सच वो नहीं दिखाया गया, मतलब वन साइडेड लव होता है उनका, बट लाइक आई विल नॉट गोइंग टू रिवील दैट, बट ओवरऑल आई गेस केमिस्ट्री अच्छी है। रोल की बात की जाए काफ़ी इंटरेस्टिंग रोल है सबके, एक फेवरेट का देखिए कितना रोल आपको ज़्यादा पसंद है, डिस्क्राइब करना चाहोगे तो आई गेस इसमें देखिए किसी भी किसी इंडिविजुअल पे बहुत फोकस नहीं किया गया है, सारे किरदार हैं जिनका अपना अपना आई गेस इम्पोर्टेंस है पूरी मूवी में। एंड मोर देन दैट आई गेस जो मूवी का जो मतलब जो सोशल कॉज उठाया है कि हाउ एग्जैक्टली लाइक यू नो कॉमन पीपल आर स्ट्रगलिंग, बी इट लाइक टॉयलेट एक प्रेम कथा विच वॉज अ डिफरेंट कॉज एंड दिस इज़ अ डिफरेंट कॉज, सो मुद्दा उठाया गया है। और जो मूवी का अगर आप थीम पूछोगे मुझे तो थीम ये है कि लाइक यू नो एट टाइम्स इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू विन इन द एंड और नॉट, इट्स इम्पॉर्टेंट टू एक्चुअली गो हैड एंड फाइट अगेंस्ट समथिंग वॉट यू बिलीव इन दैट इट्स हैपनिंग रॉन्ग। सो दैट वॉज अ थिंग। देखिए सोशल कॉज मेरे ख्याल से मूवी का जो एक ओवरऑल जो मैसेज है वो यही है कि लाइक यू नो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर एक्चुअली हैपनिंग इन डे टू डे लाइफ, एज कॉमन पीपल वी आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग विद लॉट ऑफ थिंग्स, बट वॉट वी डू इज दिस दैट वी सिंपली लाइक टू कमेंट एंड वी फील दैट यू नो द गवर्नमेंट शुड डू समथिंग अबाउट इट और यू नो समवन एल्स शुड डू समथिंग अबाउट इट, बट यू नो वन ऑफ अस शुड बी द वन हु शुड एक्चुअली गो अहेड एंड कलेक्टिवली डू समथिंग अबाउट इट, बिकॉज जब तक कोई उठ के कुछ बहुत ड्रास्टिक नहीं करता है, कोई सुसाइड ना कर ले, तब तक वी डोंट पे अटेंशन ऑन ऑल दीज थिंग्स एंड ये गलत है। That's the thing. डायरेक्शन वाइज ये मूवी आपको कैसी लगी? देखिए सर नारायण सिंह का डायरेक्शन है तो वो बहुत डिटेलिंग करते हैं, मतलब वो खुद भी एक एडिटर है आई थिंक। थोड़ा सा अच्छी बात यह है कि बींग एन एडिटर उन्होंने लाइक ही हैज़ बीन एडिटर फॉर लाइक स्पेशल 26, MS धोनी, जितनी भी नीरज पांडे की मूवीज़ हैं उसमें उन्होंने एडिटिंग की है। सो ये सारी मूवीज़ जो मैंने बोली हैं काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं। बींग एन एडिटर आई बिलीव कि थोड़ा सा और एडिट करके चले तो अच्छा, क्योंकि ये मूवी भी 2 hours 43 minutes की थी राइट, 2 hours 43 minutes इज़ लाइक टू मच। सो आई थिंक इवन इस मूवी में भी कुछ ऐसे सीन्स या कुछ कम से कम 17 or 20 minutes तक हटाया जा सकता था, बट आई थिंक बींग एन एडिटर एंड देन अ डायरेक्टर एज वेल आई थिंक इट्स ऑलवेज अ डायरेक्टर्स कॉल, सो आई फील थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं, बट आई थिंक उसका भी एक लॉजिक है कि यू नो यू गॉट टू बी वेरी मच इन टू द मूवी। अगर आप सब कुछ एडिट करके सिर्फ मूवी पर ध्यान देंगे तो अक्सर यू नो यू लूज द जेस्ट ऑफ द लाइक सिंपलनेस ऑफ द मूवी। सर 3 out of 5। कैसी लगी? अच्छी मूवी है। इसमें एक्टिंग का तो ज़्यादा कुछ नहीं है, स्टोरी के ऊपर मूवी टिकी है, स्टोरी बहुत अच्छी है। जो इशू बेस्ड लाइक बाकी मूवीज़ में काफ़ी कुछ खींचते हैं, जो कोर्ट रूम सीन था लास्ट में उसी में एंड में सब पता चलता है कि क्या क्या है, तो उन्होंने शॉर्टकट में भी बताया है, मैं एक्जैक्टली समझा नहीं पाऊँगा लेकिन काफ़ी अच्छी तरह से बताया। हाँ कंटेंट के ऊपर ही मूवी चलती है, परफॉर्मेंस ज़्यादा तो ये कंटेंट ही खींचता है मूवी का। वही रिलेटेड टू जो घपला होता है, झोल होता है और सब, जिनके घर में लाइट वगैरह नहीं पहुँचती है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भुगतान उसका भरना पड़ता है। फिर से तो नहीं लेकिन इट्स अ गुड मूवी, रेकमेंड तो करूँगा। 3.5 तक 3.5। सॉरी यार, रियली सॉरी। फिल्म काफ़ी अच्छी है, अभी अभी मैं फिल्म देख के निकला हूँ। शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर, स्टारर भतिगुल मेटा चालू, तो फिल्म एक सोशल मैसेज देती है, साथ ही साथ मनोरंजन भी करती है दर्शकों का, तो आप ज़रूर ये फिल्म देखें। शाहिद, यमी और श्रद्धा क्या कुछ दिखा पर आपको सोशल इश्यूज के साथ? देखिए शाहिद श्रद्धा मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सोशल इशू बहुत अच्छे से दर्शाया गया है, साथ ही साथ एक कमर्शियल एंगल भी दिया गया है फिल्म को, तो बैलेंस रखा गया है। शाहिद श्रद्धा यामी सबका अभिनय काफ़ी अच्छा है, बट बेस्ट पार्ट शाहिद है, तो उनके लिए इस फिल्म को ज़रूर देखें। स्टोरी लाइन
देखिए, अब उत्तराखंड के जो लोग हैं वो इस फिल्म से ज़रूर कनेक्ट कर पाएंगे। जो स्टोरी है वहीं के न्यू टिहरी शहर पर आधारित है, तो जिस तरीके से उनको इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड समस्याओं का फेस करना पड़ता है उससे रिलेटेड ये स्टोरी है, और वो लोग ज़रूर रिलेट कर पाएंगे। साथ ही साथ जो पूरे भारतवासी है वो भी इस फिल्म से ज़रूर कनेक्ट कर पाएंगे। म्यूज़िक थोड़ा एवरेज निकलता है, मतलब एक दो गाने हैं जो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, बट म्यूज़िक को छोड़ दिया जाए तो फिल्म काफ़ी अच्छी है। देखिए, ज़रूर देखना चाहता है, बट थोड़ी लंबी है फिल्म, ड्रैग लगती है, बट तब भी अगर आपको शाहिद कपूर के आप बहुत बड़े फ़ैन हैं तो आप इस फिल्म को बार बार देख सकते हैं। आई विल गो विथ 3। थैंक यू यार। आप बहुत उमदा, शानदार, ज़बरदस्त, मस्त। देखिए, शाहिद कपूर को पद्मावत फिल्म में हमने देखा था, वो एक राजा की भूमिका में थे, लेकिन यहाँ पर वो एक ऐसे वकील है कि 7.5 साल में उन्होंने अपनी वकालत पास की है और उसके बाद ब्लैकमेल करके पैसे कमाते हैं, हाँ, और इसके बाद अचानक उनका फ्रेंड सुसाइड कर लेता है और एक बहुत बड़ा आंदोलन में वो सहभागी हो जाते हैं, तो बहुत ही उमदा एक्टिंग की है शायद। सोशल इश्यूज को किस तरह दिखाया गया है? श्री नारायण सिंह बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्हें बखूबी पता है कि एक बहुत बड़ा इशू एक छोटे से शहर से किस तरह से फिल्माना चाहिए। इससे पहले टॉयलेट एक प्रेम कथा अक्षय कुमार की भी उन्होंने ही बनाई थी, जिसे दर्शकों ने बहुत पसंद किया। वहाँ टॉयलेट को लेकर के इनके बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन यहाँ बिजली विभाग को लेकर आंदोलन है, जो कि एक आम इंसान के लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। हम भी अचानक बिल ज़्यादा आता है तो हम गुस्सा निकालते हैं, लेकिन हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि एक अकेला इंसान क्या करेगा। तो श्री नारायण सिंह जो चाहते थे वो उन्होंने कर दिखाया। देखिए, जहाँ तक रोमांस की बात है, यानी श्रद्धा कपूर, शाहिद कपूर, वो की केमिस्ट्री जो है बहुत ही बेहतर है इस फिल्म में, और डायलॉग डिलीवरी भी बहुत ही अच्छी, यूके की भाषा है, जैसे कि कुछ भाषा है उसका इस्तेमाल किया गया, अबे यहाँ ठहरा है क्या, अरे आने दो बल, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सुनने में काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत ही क्यूट लग रही है श्रद्धा, उसकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी है, शाहिद भी अच्छा काम किया, म्यूज़िक बहुत बेहतर रहा है, हर मुद्दे पर हर समय किस तरह से म्यूज़िक का इस्तेमाल करना चाहिए ये श्री नारायण सिंह बखूबी जानते हैं और उन्होंने अच्छे से काम किया। मैं ज़रूर, मौका मिले तो फिर से मैं ज़रूर देखना चाहूँगा, और जिन लोगों ने भी अच्छी फिल्म देखना सोच रखी है और पैसे अच्छी जगह खर्च करना चाहेंगे, मैं चाहूँगा कि इस फिल्म को आराम से देखें। मैं 4 स्टार। थैंक यू। मूवी 1 घंटे बहुत ज़्यादा एम्ब्रेसमेंट फील होती है, बट 1 घंटे के बाद जो थोड़ा सीरियसनेस आती है ना वो थोड़ा अच्छी लगती है। कंटेंट मूवी का बहुत अच्छा है, मतलब पूरे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, ठीक है, बट इनका जो प्रेजेंट कंटेंट अच्छा होता है, लेकिन इनका प्रेजेंटेशन का जो तरीका था, बार बार कॉमेडी लाने का कोशिश कर रहे थे, चलो कॉमेडी अच्छा है, बट वो जब प्रेजेंट कर रहे थे ना वो स्क्रीन पर अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत बेकार लग रहा था। और कोई इंटरवल के बाद जो भी कोर्ट ड्रामा जो दिखाया, भाई यार बहुत, भाई यार बहुत, मेरे को बहुत एम्ब्रेसमेंट फील हो रहा था, पता नहीं मेरे को क्यों हो रहा था, क्योंकि जब हाई कोर्ट अब जब दिखा रहे हो इतना बड़ा लेवल का, तो कुछ भी आप कर रहे हो, और स्कोर क्या हुआ, दिनेश कार्तिक ने क्या क्या मैच देख रहे हो, चलो होता है इतना कॉमेडी होता है, इतना भी नहीं होता होगा, होता होगा, मैं बता रहा हूँ कि इतना भी नहीं हो रहा होगा ज़्यादा आप कॉमेडी। और जो एंडिंग है तो बहुत ज़्यादा हैप्पी एंडिंग बोलते हैं, लेकिन एंडिंग बहुत बेकार। और उन्होंने जो गाना है, इतने अच्छे से गाना है, उनको 30 सेकेंड 40 सेकेंड दिखाया, गाना को और एक्सीड करूँ ना, और पूरे जो इंटरवल तक 1.5 घंटे का जो इंटरवल आया, इसके बीच में लंबा मूवी बहुत ज़्यादा, 3 घंटे अगर मूवी है, 2 घंटे 20 मिनट का मूवी हो सकता है, 40 से 50 सेकंड मूवी एडिट हो सकती है, श्री नारायण जी ने एडिट किया है और खुद ने डायरेक्ट किया, तो उनको थोड़ा देखना चाहिए कि, और जो सीरियस सीन चल रहा था तो अच्छा लग रहा था, बट जब भी कॉमेडी आ रहा था ना वैसा कॉमेडी नहीं, एम्ब्रेसमेंट फील आ रहा था, तो परफॉर्मेंस अच्छा है, कॉन्टेंट भी अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, बट प्रेजेंटेशन का जो तरीका है ना वो थोड़ा गलत है। या एक्टिंग ठीक ठाक है, जब जैसा स्क्रिप्ट देखो चलेगा ठीक ठाक है, बट पर वही बोल रहा हूँ, जो प्रेजेंटेशन का जो तरीका है ना डायरेक्टर का वो गलत हो गया, थोड़ा गलत लग रहा था मेरे को क्या, सब पब्लिक भी देखो नहीं है ज़्यादा, और कलेक्शन नहीं हो पाएगी, मेरे को नहीं लग रहा मूवी हिट कर गया, सॉरी। हाँ वही बता रहा हूँ, सोशल इशू बहुत अच्छा है, 70% पॉपुलेशन इंडिया में गांव में रहती है, तो ये गांव की प्रॉब्लम ही है, लेकिन आप हर चीज़ को कॉमेडी में डाल रहे हो, ये ज़्यादा ही हो गया। और प्रेजेंट थोड़ा अच्छा करो ना, प्रेजेंट थोड़ा ठीक है, लोकेशन भी बहुत अच्छा था, लाओ जाओ जाओ यूके, एकदम यूके लग रहा था, आप लंदन समझ लो, लेकिन लोकेशन बहुत अच्छा था, लेकिन प्रेजेंट नहीं कर पाए। और कोई दूसरा कोई कहानी को नरेट कर रहे थे, कोई दो आदमी दिखाते हैं वो नरेट कर रहे थे, वो भी मेरे को उतना ठीक ठाक, वो नया तरीका था, नया कि हाँ नया ही तरीके था, बट कहानी में मज़ा नहीं आया, देखने के बाद वो फील नहीं आया। आप अगर मूवी देखो तब पता चलेगा कैसे, तो आप मैं जो बता रहा हूँ वो भी आप सुनोगे। मूवी का कोई पार्ट जो आपको याद हो, कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको पसंद आया हो? कोई मतलब वो जो ये है ना,
जो कहानी जो कह रहे थे वो अच्छा लगा मेरे को, डार्क में दिखाते जो 1970 में दिखाते ना, उसी तरह दो आदमी रहते तो कहानी कहते हैं, कहानी के जरिए नरेट होती है वैसे, वो अच्छा लगा मेरे को, नया लग रहा था। क्या सोशल मैसेज देती है फिल्म? मैसेज देती है कि हाँ ऐसा होता है, वो दिखाते हैं कि जो मीटर में होती है ना बिजली बोल, अगर उसको 4 करोड़ उसका उपभोक्ता है, अगर वो 1 साल नहीं चलो तो उसको 73 करोड़ फ़ायदा होती है, वो नया लगा मेरे को। हाँ इतना एक बल्ब जो होती है मीटर में, वो बल्ब अगर नहीं लगाया ना मीटर वाले तो उन लोगों को 73 करोड़ साल में ऐसा फ़ायदा हुआ, ऐसे उन्होंने दिखाया शायद, तो थोड़ा नया लगा मेरे को बस। और सब तो लगभग बिजली का प्रॉब्लम, म्यूजिक अच्छा अल्टीमेट था, वही बोलो कि जब 4-4 मिनट का सॉन्ग था तो इवन सॉन्ग आप एडिट ये करते उसमें ऐड करते थे, लेकिन सॉन्ग को 30 सेकेंड 20 सेकेंड इससे ज़्यादा नहीं दिखा, 40 सेकेंड 1 मिनट इससे ज़्यादा नहीं दिखाया, सॉन्ग को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा कट कर दिया। नहीं नेवर है, फ्री में नहीं देखूंगा, सही बता रहा हूँ। बस आउट ऑफ 5 ऐसे तो नहीं, 2 स्टार चला है, डिजर्व करता है। अगर आपकी तरफ से मान लिया तो बिल्कुल बोरिंग है फिल्म? नहीं बोरिंग नहीं कर रहा हूँ, बट हाउ यू आर प्रेजेंटिंग द थिंग्स। अभी मेरे पास अगर डायमंड है तो उसको मैं एग्जीबिशन में रखेंगे अच्छा लगेगा ना, आप किधर इधर फेंक देंगे तो कोई देखने वाला नहीं, उसको आप प्रॉपर तरीके से रखो ना। यू हैव अ राइट थिंग्स, यू हैव अ राइट कॉन्टेंट, हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इन फ्रंट द ऑडियंस, दिस इज द मैटर। ये फिल्म बहुत अच्छी है, सबसे ज़्यादा जो इस फिल्म का बेस्ट पार्ट है वो है शाहिद कपूर, एज़ यूजुअल वो अपनी हर फिल्म में बेस्ट ही देते हैं, और ये फिल्म में भी बहुत इंटरेस्टिंग उनका कैरेक्टर है। सबसे ज़्यादा मज़ेदार है जो उन्होंने लैंग्वेज यूज़ की है इस फिल्म में, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले मुझे इस लैंग्वेज के बारे में पता भी नहीं था कि उत्तराखंड में ऐसी भी कोई लैंग्वेज होती है, बट आफ्टर वॉचिंग दिस मूवी आई एम रियली excited to go to Uttarakhand and experience this language and experience the visuals that has been shown in the film. So it was very interesting. शाहिद कपूर के बाद जिसका कैरेक्टर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया दैट इज़ श्रद्धा कपूर। उनका जो एक्सेंट है बोलने का, जो स्टाइल है इस फिल्म में, वो काफ़ी मज़ेदार लग रहा है, मतलब उनके हर एक डायलॉग्स पे हंसी आनी ही आनी है। बात करें अगर यामी गौतम के कैरेक्टर की तो उनका काफ़ी शॉर्ट कैरेक्टर है, लास्ट में कोर्ट रूम में ही उनको दिखाया जाता है, लेकिन जितना भी उनका कैरेक्टर है वो काफ़ी मज़ेदार है। मैं आपको फिल्म का क्लाइमैक्स तो रिवील नहीं करूँगी, लेकिन जो भी है बहुत अच्छा हुआ है। फिल्म काफ़ी लेंदी थी जिसकी वजह से थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था कि फिल्म थोड़ी छोटी हो सकती थी, लेकिन जितना भी था फिल्म बहुत अच्छी थी। वहीं अगर मैं आपको गाने की अगर बात करूं तो फिल्म के गाने जैसे कि हमने पहले सुने थे दैट इज़ देखते देखते एंड गोल तांबा, ये सारे गाने तो हैं फिल्म में लेकिन काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन पे, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि हाँ एटलीस्ट 2-3 मिनट्स का गाना तो होना चाहिए, बट दे हैव शोन ओनली 1 मिनट, सो दिस वॉज डिसअपॉइंटिंग। एंड बाकी सारी चीज़ें वॉज परफेक्ट। टॉकिंग अबाउट डायरेक्टर दैट इज श्रीनारायण, ही हैज़ डायरेक्टेड टॉयलेट एक प्रेम कथा, सो कहीं ना कहीं उनका जो डायरेक्शन है वो आपको दिस वन बत्ती गुल मीटर चालू में भी थोड़ा बहुत सेम मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से वो डायरेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं वो फ्लेवर हमें दिखाई दे रहा था। तो डायरेक्शन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इस फिल्म को बहुत अच्छी तरह से डायरेक्ट किया। बस एक जो जिस चीज़ में फिल्म थोड़ी सी पीछे रह गई दैट इज़ लेंदी, फिल्म बहुत लेंदी थी, दैट्स इट, बहुत अच्छी थी फिल्म। जी अगर सोशल कॉज की बात करें तो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की चोरियां होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी कई कई छोटे शहरों में तो इलेक्ट्रिसिटी आती भी नहीं है, आती नहीं है और उसके बाद फिर उसका मीटर इतना ज़्यादा आता है, तो अभी हम जो दिल्ली के मुंबई के लोग हैं देल मतलब वो इस चीज़ में इतना दिमाग नहीं डालते, हाँ ठीक है इतना बिल आया तो दे दो, कभी उस चीज़ के बारे में क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं करते। तो आई थिंक इस फिल्म के बाद लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए इस फिल्म, और एटलीस्ट अवेयर रहना चाहिए कि क्या आपके साथ सच में गलत तो नहीं हो रहा। तो जिस तरह से शाहिद कपूर का कैरेक्टर था कि वो बहुत ही फ़न लविंग थे और बस तिगड़म लगा के पैसे कमाना चाहते थे, लेकिन अपने फ्रेंड के लिए उन्होंने जिस तरह से केस लड़ा, जिस तरह से इस इशू को सामने लाया, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। फिर से मतलब मैं देख सकती थी बट बिकॉज ऑफ द लेंदी टाइम आई वुड सजेस्ट दैट इट इज़ वन टाइम वॉच, बट द कॉज इज़ वेरी गुड दैट इट हैज़ बीन शोन इन द फिल्म। एंड इसी तरह की फिल्म से अगर हम ऐसे ऐसे कॉज सामने आते रहे तो कहीं ना कहीं इन पर एटलीस्ट 10% तो लोग नोटिस करेंगे, सो इट वॉज ग्रेट। 3.5। थैंक यू।